नो ट्रांसलेशन दी द थर्ड स्टेप दैट इज पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इस तो पहला असि दो स्टेप डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो दे विच केड़े केड़े दो स्टेप डिस्कस किए। सब तो फर्स्ट स्टेप असि डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम कॉम्पलैक्स। सेकंड स्टेप असि की डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्पलैक्स। नाउ थर्ड स्टेप है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तीन स्टेप असि इनू डिस्कस करांगे। सब तो पहला चेन इनिशिएशन, फिर चेन इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप असि डिस्कस करांगे चेन टर्मिनेशन। सब तो पहला चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन दे विच की हो गया कि जिहड़ा फर्स्ट टीआरएनए हैगा कैरिंग अमीनो एसिड मिथियोनाइन, ये फर्स्ट कोडोन एयूजी ए इनिशिएटर कोडोन है। फर्स्ट इनिशिएशन कोडोन दे कोल जिहड़ा हैगा टीआरएनए मिथियोनाइन लैके पहुंचेगा। जदों इन्हां दे एंटी कोडोन मैच हो गए, एयूजी कोडोन है जिहड़ा कि मैसेंजर आरएनए ते प्रेजेंट है, टीआरएनए दे उत्ते एंटी कोडोन प्रेजेंट है यूएसी। जो ये दोनों मैच हो गए ए जरा टीआरएनए इस जगह से अटैच हो जाएगा। जिमें ये कॉम्पलैक्स बनेगा नाल दी नाल की होएगा कि जरा बिगर सब यूनिट है राइबोसोम का वो आके अटैच हो जाएगा। सो आ बिगर सब यूनिट अटैच हो गया ना। बिगर सब यूनिट को मैं दसिया से तीन साइड्स है। सो एक तो ये को तीन साइड्स है और एज ए एनजाइम भी बिहेव करता है, ट्रांसफी पैप्टाइडल ट्रांसफीरेज एनजाइम बिहेव करता है जिदे करके कि पैप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं अमीनो एसिड्स। सो सब जिहड़ा फर्स्ट टीआरएनए सीगा विद मिथियोनाइन वो अटैच हो जाएगा इहदी किहड़ी साइड दे उत्ते, एक्सेप्टर साइड दे उत्ते। ये एक्सेप्टर साइड ते अटैच हो गया। मीन टाइम एक होर सेकंड जिहड़ा हैगा टीआरएनए, सो दिस इज टीआरएनए, सेकंड टीआरएनए सेकंड अमीनो एसिड लेके आएगा। मान लो आप सपोज करो कि सीराइन अमीनो एसिड है इहदे कोले। सो इहदा कोडोन की, इहदा एंटी कोडोन की है ए जी जी। सो ए जी जी दा कोडोन की हैगा मैसेंजर आरएनए ते यू सी सी। हुण ये सेकंड वाला टीआरएनए आ गया, जिहड़ा फर्स्ट वाला टीआरएनए सीगा ए जंप करके अगली साइड ते चला जाएगा। सो दैट इज ए डी साइड ते मूव कर जाएगा ते जिहड़ा सेकंड वाला आ रहा है वो ए साइड ते आ जाएगा, यानी कि इस साइड ते ए लग जाएगा आके और ए अगली साइड ते चला जाएगा, यानी कि ए इस साइड ते चला गया, डी साइड दे उत्ते चला गया। फिर उस तो बाद ए हुण बाहर जाएगा, बाहर जाण तो पहला यानी कि बाहर जाएगा एग्जिट साइड दे थ्रू। बाहर जाने तो पहला ये अपना अमीनो एसिड जड़ा है सेकंड वाले नु दे जाएगा। सो इस तरह करते करते ये प्रोसेस रिपीट होंदी जाती है, ये रिपीट होंदी जाती है ते नाल नाल जड़ा राइबोसोम है, देखो ये थर्ड स्टेप है, राइबोसोम मूव करता जाता है। ठीक है, यानी कि जड़ा भी कोई टीआरएनए आएगा सब तो पहला एक्सेप्ट होएगा एक्सेप्टर साइड से, उस बाद जंप करके जाएगा सेकंड साइड से, सेकंड साइड मतलब डोनर साइड से जाएगा। डोनर साइट वाली जड़ी चेन है वो एक्सेप्टर साइट वाले दे दीती जाती है। उस तो बाद वो टीआरएनए बाहर आ जाता है एग्जिट साइट के थ्रू। ठीक है, बाहर आके वो फिर नेक्स्ट जड़े है अमीनो एसिड उन्होंने लैन चला जाएगा अमीनो एसिड पूल दे विच। यानी कि असि इन थोड़ा जा इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के तीन गेट है। ठीक है, पहला एक ट्रक लोड किया एंटर किया एंट्री पॉइंट के थ्रू, दिस इज एंट्री। फिर उस तो बाद सेकंड डोर तो चला गया, इस जगह से अपना उन्हें जोड़ा समान लेके आया अनलोड करता। उस तो बाद एक थर्ड गेट है एग्जिट गेट। सो इस तरह करके इतने भी तीन गेट जोड़े है वो बने हुए हैं। सो इस तरह करते करते राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की चेन के उत्ते मूव करता जाता है, मूव करता जा रहा है। देखो इस डायग्राम के विच मैं की शो किया, एक मैं बाहर जाते दिखाया। सो ये बाहर जाते जो जा रहे हैं अपना जोड़ा अमीनो एसिड दे चुके हैं, हूँ ये कोई अमीनो एसिड नहीं है। एक मैं रेडी दिखाया कि एक आने लिए तैयार बैठा है, एक एक्सेप्टर साइड से मैं दिखाता, एक मैं डोनर साइड से दिखाता। डोनर साइड वाला हूँ एक्सेप्टर साइड से जाएगा, एग्जिट साइड से जाएगा। जो एग्जिट साइड से जाएगा ये अपनी पूरी की पूरी चेन किनू देके जाएगा, एक्सेप्टर साइड वाले, एक्सेप्टर साइड जंप करके डी साइड से मूव कर जाएगा। फिर ए इत्थे आ जाएगा, फिर ये अपनी चेन इनू दे देगा। सो इतो बहर हो जाएगा ये जरा खाली होगा टीआरएनए। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, रिपीट करते करते लास्ट विच केड़े कोडोन को पहुंच जाता है टर्मिनेटर कोडोन। टर्मिनेटर कोडोन की है, तीन टर्मिनेटर कोडोन हो सकता है यूएए यूएजी यूजीए, तीनों चो कोई भी कोडोन जड़ा है टर्मिनेटर कोडोन है, इन्हें स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। सो एयूजी कहते हैं इनिशिएशन कोडोन या इनिशिएटर कोडोन, दैन टर्मिनेटर कोडोन, ये तीनों चो कोई भी। मान लो इतने यूएए प्रेजेंट है, ये मूव करते करते राइबोसोम जदों ये यूएए कोल पहुंचेगा ये पूरी दी पूरी प्रोसेस जिहड़ी हैगी है वो स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और जदों ये टर्मिनेट हो जाएगी ये सारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि राइबोसोम के दोनों जिहड़े
सब यूनिट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये सिर्फ उदो ज्वाइन कर दिए हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होनी होंगी है। सो ये सारी जी प्रोसेस, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन।